इसको तशखीस कैसे करते हैं? इसकी तशखीस जो है गैस्ट्रोस्कोपी से होती है, जिसको एंडोस्कोपी भी बोला जाता है, यानी इंसान के मुंह के रास्ते एक पतली सी पाइप अंदर डाली जाती है जिसके आगे टीवी कैमरा लगा होता है, और इसको मैदे में डाल के मैदे का अच्छी तरह अंदर से मुआयना कर लिया जाता है और उसकी बायोप्सी भी ले ली जाती है। और अगर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ख़तरनाक तो वो भी आपको बताई जाती है, और अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो उसकी हम बायोप्सी लेके लेबॉरेटरी में चेक करवा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या बीमारी चल रही है। मैदे के कैंसर का इलाज जो है वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे बीमारी है। अर्ली स्टेज पे इसकी सर्जरी होती है, और सर्जरी से जो मैदे का वो हिस्सा जिसमें कैंसर है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन और भी कुछ मॉडर्न तरीके हैं मैदे के कैंसर के इलाज के। तो ये एक ब्रीफ सा अकाउंट था मैदे के कैंसर का। याद रखने वाली बात यह है कि शुरू में इसके कोई ख़ास सिम्टम्स या अलामत नहीं होती, अगर कुछ होती हैं तो वो कई दफ़ा इग्नोर हो जाती हैं। अपना ख्याल रखें, ये बीमारियाँ बहुत कॉमन नहीं होती कि आप इसको अपने दिमाग पे वहम सवार कर लें, लेकिन साथ ही साथ हम इसको जल्दी से जल्दी तशखीस करके अर्ली स्टेज में इसका इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। थैंक यू।